तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं सारे रिसोर्सेज प्रीलिम्स के मेंस के इंटरव्यू के जो मैंने फॉलो किए। इसमें ऑलमोस्ट 95% रिसोर्सेज वही रहेंगे जो मैंने फॉलो किए थे एग्जैक्टली, और कुछ रिसोर्सेज मैं मॉडिफाई करूंगा जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जिन चीज़ों को फॉलो करके, उन्हें मैं हटाऊंगा और उनकी जगह कुछ नई चीज़ें ऐड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए तीन चीजें हो जाती हैं। पहली चीज आ जाती है बेसिक बुक्स। हालांकि कुछ समय पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कवर किए थे, बट उसमें बहुत ही मतलब इतने अच्छे से कवर नहीं की थी चीजें और कुछ बहुत कम रिसोर्सेज बताए थे। इस वीडियो में मैं सारे रिसोर्सेज बताऊंगा जो मैंने फॉलो किए थे। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले बेसिक बुक्स आ जाती हैं। बेसिक बुक्स में हिस्ट्री के लिए एंशियंट एंड मेडिवल, इन दोनों के लिए आप पढ़ सकते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, ओल्ड पढ़ना जरूरी है क्या? तो इसका ओल्ड इसलिए कहा जाता है पढ़ने के लिए बिकॉज ओल्ड एनसीईआरटी थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड है, थोड़ी ज्यादा अच्छे से दिया है उसमें, और अपन एंशियंट और मेडिवल के लिए सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कोई अलग से रिसोर्सेस तो यूज करते नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आपने न्यू खरीद ली है, आप न्यू पढ़ने लगे हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मॉडर्न के लिए, मॉडर्न के लिए आ जाती है स्पेक्ट्रम। एक और सोर्स होता है बिपिन चंद्रा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ें। बिपिन चंद्रा थोड़ी कहानी जैसी दी है और स्पेक्ट्रम एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी है और कंपेरेटिवली छोटी भी है, तो स्पेक्ट्रम ज्यादा फायदे की रहेगी। सो ये हिस्ट्री का हो गया। अब आ जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। 11th और 12th दोनों साल की एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा मैंने क्या पढ़ा था, इससे आपका अराउंड 75% सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने जो मृणाल का यूट्यूब चैनल है, उसमें एक मैडम है, अब मुझे नाम याद नहीं है उन मैडम का, मैंने बहुत पहले देखे थे वीडियोस, उनके ज्योग्राफी के वीडियोस डले हैं। तो इसे आप अराउंड 1.5x में आप भी देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा, बिकॉज आपकी ज्यादातर चीजें उसमें वही पढ़ाएंगी वो जो आप ऑलरेडी 11th और 12th की एनसीईआरटी करके कवर कर चुके होंगे, बट कुछ चीजें एडिशनल मिलेंगी और वो भी प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो इससे कुछ चीजें एडिशनल मिलेगी, तो आपका अराउंड 25% यहां से कवर हो जाएगा। अब ये ज्यादातर चीजें मेंस के लिए मैंने जैसा कि बताया जरूरी रहती है, लेकिन कभी कभार, लेकिन आप जब प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो तभी पढ़ लें, बिकॉज हो सकता है उससे प्रीलिम्स में भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गई ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए हर कोई जानता है लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत ही आपको पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूरी पढ़नी है। और ये कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि इससे भी क्या सिलेक्टिव, इसमें कुछ सिलेक्टिव नहीं होता, ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 11th और 12th की एनसीईआरटी भी कहते हैं कि स्टार्टिंग में आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में आसानी होगी, बट मैंने डायरेक्टली पढ़ी थी और मुझे नहीं लगी कि उसकी जरूरत, इससे क्वेश्चन बन रहे थे प्रीलिम्स के। पॉलिटी के बाद आ जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आप रोनाल के नोट्स या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स या फिर रमेश या फिर इसके अलावा भी कोई सोर्स पढ़ सकते हैं। मैंने मोस्टली मोस्ट ऑफ द चीजें मृणाल के नोट से पढ़ी थी। आप चाहें तो इनमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं, या तो मृणाल के या फिर श्रीराम आईएएस के या रमेश सिंह, ये सारी बुकें अच्छी हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड है, इसके लिए इकोनॉमी के लिए कोई अलग से स्टैंडर्ड बुक नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक सोर्स, ये तीनों बहुत सबसे फेमस है, मृणाल के या श्रीराम आईएएस के नोट्स या रमेश सिंह के नोट्स, कोई भी एक पढ़ना है आपको, सारा नहीं पढ़ना, तो प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशियंट होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे आपको। एनवायरमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं शंकर आईएएस। शंकर आईएएस अच्छी बुक है एनवायरमेंट के लिए, काफी अच्छी है, थोड़ी बड़ी है, इसलिए आप चाहें तो थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हैं, हालांकि मैंने तो पूरी पढ़ी थी और ये काफी अच्छी बुक है। इसके बाद आ जाता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए आप लास्ट 4 चैप्टर ऑफ
एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी के आखिरी चार चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं पढ़े थे, मैं पहले बता देता हूँ, बिकॉज मैंने एमबीबीएस किया है ऑलरेडी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था वो अपने नीट के एग्जाम के टाइम पे, इसलिए मुझे जरूरत नहीं हुई पढ़ने की। बट अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो लास्ट 4 चैप्टर पढ़ें, अगर ये बहुत छोटे हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर इतना ही पढ़ने से आपका फायदा हो रहा है एक दो क्वेश्चन का भी, तो फिर ये वर्थ है इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और क्या बच गया, आर्ट एंड कल्चर बच गया। आर्ट एंड कल्चर एक इंपॉर्टेंट चीज है, छूट गई। इसके लिए आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक अगर मुझसे पूछेंगे तो आप डायरेक्टली नितिन सिंह गान्या भी पढ़ सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगा कि 11th क्लास की आप फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ें पहले, उसके बाद आप पढ़ें नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया पे भी मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है कि नितिन सिंघानिया आपको बहुत ही स्पेसिफिक पढ़नी है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। तो नितिन सिंघानिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नितिन सिंघानिया बहुत बड़ी बुक है, आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें दी हैं जो बिल्कुल काम की नहीं है, कभी नहीं आती, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स बता रहा हूं। इसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इसके बाद डांस एंड म्यूजिक। डांस एंड म्यूजिक में भी आपको जो क्लासिकल है वो डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन जो फोक डांसेस और म्यूजिक है इसमें आपको डांस का नाम और उसका स्टेट, ठीक है, नाम और स्टेट, बस यही चीजें याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स में भी नेम एंड स्टेट, बस ये दो चीजें याद रखनी है। फिर आ जाता है फिलॉसफी, ठीक है, जो स्कूल्स हैं फिलॉसफी के वो आपको बनने चाहिए। इसके बाद आ जाता है पपेट्री। पपेट्री में भी आपको सिर्फ नेम एंड स्टेट उसका याद रखना है। इसके बाद आ जाता है थिएटर, स्पेलिंग आप देख लेना, इसमें भी आपको नेम एंड स्टेट बस याद रखने हैं। इसके बाद आ जाता है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें भी आपको नेम एंड स्टेट याद रखना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट में आ जाता है क्वाइंस, देन और क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें, फिलॉसफी हो गया, क्वाइंस के बाद ट्रैवलर्स इम्पॉर्टेंट है, ट्रैवलर्स के बाद इंडियन कल्चर अब्रॉड, ये भी एक टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ छूट तो नहीं रहा, लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट है, लिटरेचर आपको पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है लिटरेचर। लगभग सारी चीजें हो गई, ठीक है, इतनी चीजें हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है नितिन सिंघानिया से। अगर आपने इतना पढ़ लिया, और ये बहुत कम है, आपको टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, अराउंड लेस देन 50% ऑफ नितिन सिंघानिया है, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसमें भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं, स्टार मार्क करूं, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक है ये। इसके अलावा ना ट्रैवलर्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस में आ जाता है, लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी चीजें आपको पढ़नी है नितिन सिंघानिया से, तो ये हो जाएगा अपना आर्ट एंड कल्चर। अभी अपनी सारी बेसिक बुक्स लगभग पूरी हो गई है ना, हिस्ट्री की हो गई, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर। तो अपन ने कहां से स्टार्ट किया था, अपन ने स्टार्ट किया था कि अपन प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी के लिए रिसोर्सेज देख रहे थे। सबसे पहले अपन ने देखा बेसिक बुक्स, दूसरा आ जाता है करंट अफेयर्स। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है। अगर मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक बताऊं तो आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मैंने पहले की वीडियोस में भी कहा है कि प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए क्या बचा, एक बची करंट अफेयर मैगजीन और दूसरा बचा PT 365, ठीक है, दो ही चीजें बची, या फिर तीसरा एक और लिख लो डेली वीडियोस,
कुछ लोग डेली वीडियोस देखते हैं, मेरे ख्याल से इनकी भी जरूरत नहीं है अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। तो सबसे दो चीजें बची, करंट अफेयर मैगजीन और पीटी 365। इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से कोई भी एक चीज पढ़े, है ना, ये और है, इनमें से आपको दोनों नहीं पढ़ना, ये सबसे जरूरी चीज है। बिकॉज ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी इनिशियल स्टेजेस में हुआ था कि मैं करंट अफेयर की मैगजीन्स तो पढ़ रहा था लेकिन मैं उनको रिवाइज नहीं कर रहा था, उनको अच्छे से याद नहीं कर रहा था, जिससे कि अंत में फिर मुझे पीटी 365 पढ़नी पड़ी। तो आप ऐसी गलती ना करें, या तो आप मैगजीन ना पढ़ें, अगर आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हैं तो प्लीज उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, ठीक है, मल्टीपल रिविजन दें उसे, करंट अफेयर्स की मैगजीन को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, अंत में आपको यह एहसास होगा कि आपको मैगजीन भी याद नहीं है और फिर अल्टीमेटली आप पीटी 365 पे ही पढ़ने बैठ जाएंगे और इससे मेन नुकसान होता है आपके समय का, क्योंकि मैगजीन पढ़ने में बहुत समय लगता है, ठीक है। और आपको इसमें से कोई एक करना है ना, अगर आपने मैगजीन पढ़ी है पूरे साल तो प्लीज आप मैगजीन पे ही फोकस करें, है ना। पीटी ये मत सोचें, एक लोगों के मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, फोमो, कि अगर वो करंट अफेयर मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीटी 365 में कुछ एडिशनल दिया होगा प्री के लिए। कहीं कुछ एडिशनल नहीं दिया रहता, आपको कोई भी एक रिसोर्स पढ़ना है, दोनों पढ़ेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। ये हो गया करंट अफेयर्स। अब आ जाती हैं और चीजें, और प्रीलिम्स में क्या, सिलेबस में क्या है, तीसरी चीज आ जाती है एक्स्ट्रा। ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या एक्स्ट्रा किया जाए इसके अलावा। एक्स्ट्रा में कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, उसमें आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे या तो आप पूरा तो बहुत कठिन है पढ़ना, तो या तो आप समरी पढ़ लें, बहुत सी कोचिंग की समरी आती है, या फिर आप इस केस में वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने वीडियो भी देखे थे, मैंने मेनली समरी पढ़ी थी, बाकी आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ये किसी हर कोचिंग निकालती है, आप किसी भी कोचिंग का पढ़ सकते हैं, विजन भी निकालती है और दूसरी कोचिंग भी निकालती है। दूसरा आ जाता है बजट। अब बजट भी पीआईबी में बजट की समरी रहती है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, वो सफिशिएंट रहती है। इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रास हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, मैपिंग। मैपिंग के लिए आपको क्या करना है, मैपिंग के लिए आप एक तो जो करंट अफेयर्स डेली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर मेंस, वैसे तो मैंने बताया कि प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं पढ़ना है, बट आप जब मेंस के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कोई नई चीज दिख रही है तो आप उसे मैप में दे सकते हैं, या फिर अंत में जब आप पीटी 365 देखेंगे तो उसमें बहुत सारी मैपिंग की चीजें दी रहेंगी, वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैपिंग में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि एक तो इंडियन रिवर्स, माउंटेन्स, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, है ना, जो पासेस होते हैं माउंटेन पासेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है, जो सीज होती हैं, सीज इन देयर बाउंड्री, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी बहुत न्यूज में है ना करंट अफेयर्स, यानी जो बहुत, जैसे साल 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि अफगानिस्तान को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर में करती हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था बिकॉज वो बहुत न्यूज में था। तो जो भी चीज बहुत ज्यादा न्यूज में है उसके भी आसपास की चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे यूक्रेन, रशिया, ये जो भी न्यूज में रहता है। ये हो गया मैपिंग। अब एक और चीज आ जाती है, अपन ने अब तक क्या देखा प्रीलिम्स के लिए, एक बेसिक बुक्स, फिर करंट अफेयर्स, फिर एक्स्ट्रा में अपन को क्या क्या करना है, फिर चौथी चीज आ जाती है प्रीलिम्स में सीसेट। ये मैं पूरा कंप्लीट कवर कर रहा हूं कि मैंने क्या क्या किया था। सीसेट में मैंने पर्सनली पास्ट फोर ईयर्स के पीवाई के, यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, उसमें मेरे ज्यादातर में अराउंड 100 मार्क्स आ रहे थे, तो मैं उस कट ऑफ अराउंड 67-8 आता है, तो अगर आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में इतने आ रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके कम आ रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैंने खुद, मेरे आ रहे थे 100+, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट तो इसमें मैं अलग ये नहीं बता पाऊंगा कि मैंने क्या किया, बट आप इजिली आपको कहीं भी रिसोर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप YouTube में वीडियोस डले रहते हैं, या फिर मॉक पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाती है, या आपको अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आई विल एडवाइस कि आप इवन कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, सस्ते 2-3 हजार के कोर्सेज मिल जाते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट प्लीज प्लीज डू नॉट इग्नोर सीसेट। ऐसा ना हो कि आपके नंबर कम आ रहे हो, आप खुद से भी, आप फिर आपने खुद से जब नंबर कमाते हैं तो क्या करता है आदमी, खुद से पढ़ता है, खुद से भी आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, देन उस केस में आप ये हेजिटेट ना करें कि यार मेरे 2-3 हजार रुपए बर्बाद हो जाएंगे, या फिर मैं करूं कि ना करूं, सीसेट की कौन करता है।
मैं तो इंजीनियर हूँ, ये फालतू की बातें में ध्यान मत दीजिए, आप कहीं भी कोर्स कर लीजिए, बिकॉज वो 2-3 हजार का अगर आप सपोज इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और उससे आपका इजिली क्लियर हो जाएगा सीसेट, तो आपको अंत में बहुत फायदा होगा। अगर अंत में आपका सीसेट क्लियर नहीं हुआ तो आपकी वैसे ही पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पांचवा चीज, मॉक्स एंड पास्ट ईयर पेपर, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर में ज्यादा आपको ध्यान देना है, पास्ट के एटलीस्ट 5 साल के आपको पेपर करके जाने हैं अच्छे से। मॉक्स में लगभग 15 से 20 फुल लेंथ, ठीक है, 15 से 20 फुल लेंथ मॉक्स आपको सॉल्व करने हैं। अब ये वेरियस कोचिंग्स के कर सकते हैं आप, जैसे कि आप विजन आईएएस के कर सकते हैं, या फिर किसके और अच्छे रहते हैं, इनसाइट्स के अच्छे रहते हैं, वाजीराम के, आपको 3-4 कोचिंगों के करने पड़ेंगे, बिकॉज हर कोचिंग के फुल लेंथ 5-6 ही रहते हैं, तो आप 3-4 के करेंगे तभी आप 15-20 फुल लेंथ कर पाएंगे। अब सब्जेक्ट वाइज करना है कि नहीं, ये भी लोग पूछते हैं मॉक्स, तो सब्जेक्ट वाइज मैंने तो बहुत कम किए थे, आप कर सकते हैं स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बट अंत में जब सपोज 2 महीने बचे हो प्रीलिम्स को, 1.5 महीना या 2 महीना बचाओ, तो आप प्लीज उस समय फुल लेंथ सॉल्व करें हर 2-3 दिन में, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये मेरे सारे रिसोर्सेस थे प्रीलिम्स के लिए, जो भी चीजें मैंने यूज की। अब अपन आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है, पार्ट बी। पार्ट बी मतलब मेंस के रिसोर्सेस। मेंस में क्या क्या रिसोर्सेस, पहले मेंस में दो चीजें हैं, मैंने दो चीजें इसमें बताऊंगा। एक तो पहली चीज वो थी ए, जो एडिशनल था, एडिशनल यानी कि जो प्रीलिम्स में कवर्ड नहीं था। अब अपन GS5 चलते हैं, GS1 में क्या एडिशनल है। GS1 में पहली चीज जो एडिशनल है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप किसी भी टॉपर के नोट्स पढ़ सकते हैं। अब ये कहां से मिलेंगे आपको नोट्स, आपको सिंपली वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी गूगल करना, यूपीएससी टॉपर्स नोट गूगल करना है, तो आपको बहुत सारे टॉपर्स के नोट आ जाएंगे। अब मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने किस टॉपर के पढ़े थे, उसमें मैंने देखा तो नाम भी नहीं लिखा है और वो मुझे मिल भी नहीं रहे हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली तो आपको नहीं बता पाऊंगा, बट आप किसी भी टॉपर के नोट्स पढ़े। मैं टॉपर्स नोट्स ही क्यों कह रहा हूं, बिकॉज वो बहुत छोटे रहते हैं ना, वो 30-40 पेज में या 25-30 पेज में सारा कवर कर देंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आते ही नहीं है, आपको पता होगा 1 या 2 मैक्सिमम, 2 एक या कभी कभी तो आता ही नहीं है, तो आप इसी से छोटे सोर्स से पढ़ें। उसके बाद आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको क्या करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको जो विजन आईएएस है उसका वैल्यू एडेड मटेरियल है, जो उससे पढ़ा था मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो भी बहुत छोटा है तो वो भी इजिली कवर हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा ज्योग्राफी तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट ज्योग्राफी में नेचुरल रिसोर्सेज एक टॉपिक है जो आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, जो मैंने ऊपर सोर्सेज बताए थे प्रीलिम्स के उससे, तो नेचुरल सोर्सेज आप पीएमएफ आईएएस से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा दिया, ये भी फ्रीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट में, है ना, इनकी वेबसाइट में। दूसरा एक है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इससे भी हर साल क्वेश्चन आता है और ये भी इतने अच्छे से नहीं दिया, प्रीलिम्स के सोर्सेज में कवर नहीं होगा इतने अच्छे से। इसमें आप मृणाल की वेबसाइट में जाके, शायद यूट्यूब में ना हो पर मृणाल की वेबसाइट में जाके आप कवर कर सकते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद GS1 में और क्या है एक्स्ट्रा, सोसाइटी। सोसाइटी के लिए आप विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल पर रिलाय कर सकते हैं, ये काफी अच्छे हैं और लगभग सारी चीजें कवर कर देते हैं। तो ये थी एक्स्ट्रा चीजें जो GS1 में थी। अब GS2 में क्या एक्स्ट्रा रहता है, GS2 में एक्स्ट्रा रहता है गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस का भी मैंने मोस्ट ऑफ द पार्ट विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से किया था। अब ये मैं अपनी सोर्स बता रहा हूं, ये मैं कोई वो प्रमोट नहीं कर रहा कोचिंग को, आप चाहे तो कहीं से भी कर सकते हैं, आपको जहां से सही लगे। ये मैं सिर्फ ज्यादातर के सभी चीजें वो बता रहा हूं जो मैंने फॉलो की, मेरे क्या रिसोर्सेस थे और मुझे क्या इफेक्टिव लगे और मुझे ये सही भी लगे, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। गवर्नेंस के बाद आ जाता है सोसाइटी, तो वो मैंने पूरी करंट अफेयर से पढ़ी थी जो अलग से इसमें दी रहती है। इसके अलावा बस यही एक्स्ट्रा रहता है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं रहता है ना, मेनली गवर्नेंस एक्स्ट्रा रहती है। सिमिलरली IR रहता है, तो वो भी करंट अफेयर से पढ़ा था। फिर GS3, GS3 में क्या एक्स्ट्रा रहता है, GS3 में एक तो एग्रीकल्चर की कुछ चीजें रहती हैं जो हो सकता है आप ऊपर ना पढ़ें, तो इसमें तो बहुत ही अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आप पढ़ लें, बहुत अच्छा दिया है इसमें, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें तो बहुत अच्छा दिया है विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी मैंने यही पढ़ा था विजन वैल्यू एडेड मटेरियल। सिक्योरिटी में कुछ टॉपिक्स दिए हैं, ये भी इसमें काफी अच्छे दिए हैं। इसके अलावा आप किसी कोचिंग के नोट्स या वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी ठीक रहते हैं। जैसे मैंने शायद
वाजीराम का सुना है कि वाजीराम के जो नोट्स हैं, मैंने देखे तो नहीं है, पर मैंने कई लोगों से सुना है कि ये भी बहुत अच्छे दिए रहते हैं। इसके अलावा आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें भी मैंने विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ा। प्लस इसमें एक चीज आपको और करनी है कि एनडीएमए गाइडलाइंस हैं वो अलग से पढ़नी है। आप एनडीएमए गाइडलाइंस की किसी भी कोचिंग की समरी डाउनलोड कर लेना, पूरी नहीं पढ़नी है, समरी बस आपको पढ़नी है और आपको मेन मेन हेडिंग्स याद कर लेनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आप इसे अपने से बना के नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा साइंस एंड टेक्ट में तो करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो एक्स्ट्रा थी, है ना, जो आप प्रीलिम्स के में उसमें नहीं पढ़ते। अब इसके अलावा एक और चीज होती है मेंस में, मेंस में और क्या होता है, मेंस का जो सिलेबस होता है ना, मेंस के सिलेबस में आप कोई भी उठाएंगे, जैसे इकोनॉमी पॉलिटी कुछ भी उठाएंगे, उसमें कुछ टॉपिक्स आपको एडिशनल मिल जाएंगे जो आपके जो बेसिक सोर्स बुक्स हैं उसमें इतने अच्छे से कवर नहीं होंगे। तो इसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं एक वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, है ना, नोट्स जो मेंस के टर्म्स हैं उसमें आपको नोट्स कैसे बनाना है आप देख सकते हैं। ये मेरा एक वीडियो है, ये मैं अलग से अब नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस के सारे टर्म्स में के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज उससे बहुत इजी हो जाती है तैयारी। आप जब आखिरी के 3 महीने बचते हैं मेंस के लिए तो आप इजीली रिवाइज कर पाते हैं चीजों को। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, करंट अफेयर्स मेंस के हिसाब से कहां से पढ़ें। अपन ने प्रीलिम्स के हिसाब से तो देखा था कि अपन को न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और अपन पीटी 365 या मैगजीन से कवर कर सकते हैं। अब मेंस के लिए करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें। करंट अफेयर्स का मेंस का सोर्स होता है न्यूज़पेपर, आपको पढ़ना है। मैं एडवाइस करूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो जो आर्टिकल्स रहते हैं उनके नोट्स भी बना सकते हैं, है ना, इससे भी फायदा होता है। मैंने बनाए थे काफी चीजों के, इससे भी फायदा होगा। दूसरी चीज आ जाती है इसमें भी, या तो आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ लें, या फिर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप मेंस 365 पढ़ लें। मैंने नहीं पढ़ी थी तो मैंने अल्टीमेटली मेंस 365 पढ़ी, बट अगर कोई मैगजीन पढ़ रहा है तो मेंस के हिसाब से तो अच्छी रहती है मैगजीन, ठीक है। मेंस के हिसाब से अगर आप पूरे साल मैगजीन पढ़ रहे हैं और उसे रेगुलर रिविजन कर रहे हैं तो आपको अंत में ये नहीं पढ़ना पड़ेगा मेंस 365 आपको, लेकिन इन दोनों में कोई एक करना है, दोनों नहीं करना। अगर आप इतना ही करेंगे, आपको कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है, आप न्यूज पेपर रेगुलरली पढ़ रहे हैं अराउंड 1-1.5 घंटा और आप अंत में मेंस 365 कर लेते हैं या फिर करंट अफेयर मैगजीन कर लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। ये कब तक की करनी है, प्रीलिम्स में और मेंस दोनों केसेस में अराउंड 12 महीने की करनी है, ठीक है, अराउंड 1 ईयर की, 1 साल की करनी है, उसके पहले की करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजें थी मेंस के हिसाब से, क्या क्या थी, एक तो अपन ने एडिशनल देखा जो प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं रहता बस मेंस में रहता है, फिर मेंस के सिलेबस में कुछ टर्म्स रहते हैं उनके आपको नोट्स बनाने हैं, फिर करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है मेंस का। तो ये मेंस का लगभग कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं अपन पार्ट सी, दैट इज इंटरव्यू। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, फिर भी मैंने कंबाइन वीडियो बनाया है तो मैं पूरा बता देता हूं। ये इंटरव्यू की तैयारी जैसे सबसे पहली जरूरत बात है कि पोस्ट मेंस, है ना, मेंस के बाद ही होती है, पहले से तैयारी करने मत बैठ जाइए। जब आपका मेंस हो जाए उसके बाद प्लेंटी ऑफ समय मिलता है, बहुत समय मिलेगा, आप इजिली इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें जब आपका मेंस पूरा हो जाए तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, बिकॉज न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आ जाती है डैफ एनालिसिस। डैफ एनालिसिस का मतलब क्या है, डैफ में जो भी टर्म्स दिए हैं, जो भी आपने टर्म्स लिखे हैं, टर्म्स इन द सेंस जो भी कुछ भी वर्ड लिखा है, कोई भी अगर वर्ड लिखा है उसके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च होनी चाहिए और आपके नोट्स होने चाहिए उस पर, जिससे कि उससे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आंसर कर पाए। तीसरी चीज आ जाती है ऑप्शनल एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ऑप्शनल तो आपको बनेगा ही, डेफिनेटली बात है, आपने पढ़ा है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी बनना चाहिए। मेरा हालांकि दोनों सेम था, दोनों मेडिकल साइंस था तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, बट मेरा मेडिकल साइंस जैसे था, अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वो था उससे बहुत 50% क्वेश्चन अराउंड मेडिसिन से रिलेटेड पूछे गए थे मुझे। तो आपको बनना चाहिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, हो सकता है आपसे ना पूछे जाए क्वेश्चन, बट अगर पूछे गए आप नहीं बता पाए तो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आ जाता है चौथी चीज, मैंने इसके अलावा क्या देखे थे, मैंने कुछ करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखे थे फ्रॉम फोरम आईएएस,
इनिशियल में मैं जब आपका मेंस हो जाता है और फिर आपका रिजल्ट नहीं आया होता ना, तो जब रिजल्ट आने वाला होता है तो उस समय तब पढ़ने का मन नहीं करता, जैसे कि अभी का समय चल रहा है। तो उस समय मैंने फोरम आईएएस के कुछ करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख लिए थे, इंटरव्यू स्पेसिफिक, ज्यादा नहीं, 2-3 वीडियो देखे थे। इसके अलावा मैंने मॉक्स दिए थे, मॉक्स अराउंड मैंने 6 दिए होंगे, और इसके अलावा मैंने 1-to-1 सेशन। 1-to-1 सेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी मेंटर के साथ बैठते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आपको बताते हैं। फिर मैंने ये 2 1-to-1 सेशन दिए थे। तो ये भी आपको, ये भी बहुत जरूरी है, मॉक्स और 1-to-1 सेशन। इसमें अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी, बिकॉज अभी इतना जरूरी भी नहीं है, अभी तो मेंस का रिजल्ट ही नहीं आया, तो अभी और ज्यादा किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। और अभी जो इस तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मेनली प्रीलिम्स की और मेंस की जो बुक लिस्ट है और रिसोर्सेज हैं वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका ऑप्शनल होता है, मेरा मेडिकल साइंस था, तो उसका मैं, उसका भी बताने का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज सबका ऑप्शनल अलग अलग होता है। बट आप डिटेल्ड ऑप्शनल की भी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स के पहले ही, एक बार आप कोशिश करें कि आपका ऑप्शनल हो जाए। तो ये मेरे रिसोर्सेज थे जो मैंने यूज किए टू, और यही मैंने लगभग 100% जो भी मैंने इस्तेमाल किया था ये बता दिया आपको। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने इतना भी अच्छे से कर लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।